हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ हेल्प विद JAP। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति एंड आज हम आपको एक स्टोरी सुनाने वाले हैं जो कि एक बहुत पॉपुलर कॉन्फ्लिक्ट पे है। यस फ्रेंड, कॉन्फ्लिक्ट मींस मतभेद पे है। दैट मींस लक वर्सेस हार्डवर्क। जनरली जो रिलीजियस पीपल होते हैं, दैट मींस जिनके जो व्यूज़ हैं वो अभी भी ट्रेडिशनल है, वो ये मानते हैं कि भाई सक्सेस में लक नाम का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर जो हमारे स्कॉलर्स होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, वो हमेशा अपने स्पीचेस में या फिर अपने भाषण वगैरह कहीं भी जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हर एक स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन होता है कि लक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में सक्सेस के लिए या फिर हार्डवर्क। तो आज इस स्टोरी के थ्रू शायद हम ये क्लियर कर पाएँ कि यू शुड डिपेंड अपॉन योर लक और ऑन योर हार्डवर्क फॉर सक्सेस। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो एक्चुअली हुआ क्या, ये स्टोरी हमने एक डिबेट से ली है जो स्कॉलर्स और रिलीजन व्यूज़ वाले लोगों के बीच में चल रही थी। एक्चुअली हुआ क्या, स्कॉलर्स की बात ये थी कि हार्डवर्क भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो रिलीजियस व्यूज़ वाले लोग थे उनकी बात थी कि लक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो डिबेट है बेसिकली एक टी स्टॉल पे चल रही थी। जैसा कि इंडिया में माना जाता है कि जो चाय का ठेला होता है वो सबसे बेस्ट जगह होती है इंडिया में डिबेट के लिए। लेकिन कुछ बातें वहाँ पे अच्छी भी होती हैं और यूज़फुल भी साबित होती हैं, जैसे कि ये वाली डिबेट। सो एक टी स्टॉल के पास चल रही थी, वहाँ एक लड़का लक्ष्य खड़ा होकर चाय पी रहा था कि उसने इन दोनों लोगों की बात सुनी। स्कॉलर्स बार बार यही कह रहे थे कि बिना हार्डवर्क आपको सक्सेस लाइफ में मिल ही नहीं सकती, पर जो ये रिलीजियस पीपल थे ये क्या कह रहे थे कि भाई अगर लक नाम का फैक्टर एब्सेंट है आपकी लाइफ में तो आपको सक्सेस नाम का ये जो वर्ड है, दैट मीन्स सफलता, आपको नहीं मिल सकती। लक्ष्य सुन रहा था और फिर उसने बीच में कुछ बोलने के लिए वो आगे आता है और फिर वो एक स्टोरी सुनाता है जो कि एक रघु नाम के लड़के के बारे में होती है। रघु एक स्टूडेंट था। जैसा कि आप जानते हैं, हम स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं जनरली अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए, हम सबसे ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। तो जब ये रघु रिलीजियस व्यूज़ वाले लोगों के पास जाता, ये कहते भाई सक्सेस के लिए लक बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, तुम्हें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। पर जब भी ये स्कॉलर्स के पास जाता तो स्कॉलर्स इसे कहते हैं कि भाई तुम अपना आलसीपना छोड़ दो, क्योंकि अगर तुमने आलसीपना अपना नहीं छोड़ा तो तुम्हें कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि आलसी लोग हार्डवर्क तो कर नहीं सकते। दैट मीन्स तुमको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। एक्चुअली रघु सोच ही रहा था कि यही कुछ सोचते सोचते एक जंगल में जा पहुँचा। जंगल में इसने देखा था भाई एक जो लेम वुल्फ, एक गीदड़ वहाँ पर पड़ा हुआ था जो कि जिसके हाथ पैर कटे हुए थे, वो वहाँ पे घना जंगल था, पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, कहार रहा था। इतने में ये इसके दिमाग में एक बात आती है रघु की कि अगर इस गीदड़ का लक अच्छा है तो आज रात ये बिना खाना खाए तो सोएगा नहीं। लक्ष्य ने वहाँ पे मौजूद जो ये रिलीजियस व्यूज़ वाले लोग थे ये उनसे पूछा कि क्या रघु सही सोच रहा था, तो ये बोलने लगे हाँ भाई, ईश्वर और अल्लाह और भगवान किसी को भी भूखे पेट नहीं सोने देता। तो लक्ष्य ने कहा आइए देखते हैं आगे स्टोरी में होता क्या है। रघु वहाँ पे वेट करता है, रात हो जाती है, अंधेरा छाने लगता है, रघु अभी भी वहीं बैठ के सोच रहा है, घर नहीं गया। उसने देखा क्या, वहाँ पे एक लायन आता है जो कि अपना शिकार अपने साथ घसीटता हुआ लेके आता है, उसे पूरी तरह मारता है और फिर खाने लगता है। जैसा कि आपको पता है लायन कभी भी मरा हुआ शिकार नहीं खाता है, वो अपने हाथ से उसे मतलब अपना शिकार करता है, दम मारता है एंड देन खाता है, मार के खा लेता है, फिर जो रिमेन्स होता है, कुछ बचा होता है, वो वहाँ छोड़ के चल जाता है। ये जो गीदड़ है वो इस बात का फ़ायदा उठाता है, यहाँ आता है और इसे खा के अपनी भूख मिटाता है। इससे रघु कहता है भाई अगर लक नाम की चीज़ नहीं होती तो आज ये जो गीदड़ था ये मर जाता भूखों, क्योंकि ये लेम है, दैट मीन्स ये कोई हार्डवर्क तो कर नहीं सकता, इसका मतलब लक नाम की तो कोई चीज़ होती है। रघु ने लाइफ में डिसाइड किया कि इसे लक के रास्ते पर चल के सफलता प्राप्त करनी है। अब ये जंगल से बाहर आ गया, अपने स्कूल कॉलेजेस वापस से अटेंड करने लगा, लेकिन इसने हार्डवर्क करना ज़्यादा बेटर नहीं समझा। इसने कहा भाई रिलीजियस लोगों ने तो कहा ही है कि भाई लक का हाथ होता है और मेरा लक तो बहुत अच्छा है, मुझे सक्सेस मिल ही जाएगी। उस ईयर रघु अपने सेमेस्टर में फेल हो गया। रघु काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर घूम ही रहा था कि उसने एक प्रीस्ट को रोका जो कि एक बहुत बड़े स्कॉलर रह चुके थे और वो बाद में प्रीस्ट बने थे। सो उनको रोका और उनसे पूछा कि भाई
आप ही लोगों के ग्रुप में से एक लोग ने कहा था कि भाई लक बहुत बड़ी चीज़ है और मुझे हमेशा लक पे डिपेंडेंट रहना चाहिए, और आज देखिए मैं इस सेमेस्टर में फ़ेल हो गया। तो क्या भगवान इतना बुरा है कि वो एक इंसान की बात नहीं सुना? और उसने वही गीदड़ वाली कहानी उस प्रीस्ट को सुनाई। उसने बोला कि जब उस प्रीस्ट से बोला कि जब उस गीदड़ की बात भगवान सुन सकते हैं तो मैं एक इंसान हूँ, वो भी एक बच्चा। कहते हैं बच्चों की भगवान बात जल्दी सुनते हैं, तो क्या भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तब ये प्रीस्ट आंसर क्या देता है, देता क्या है? एक्चुअली ये पूछता है दैट लॉयन और वुल्फ, ये रघु से पूछता है वुड यू लाइक टू बिकम लॉयन और वुल्फ। रघु के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, वो थोड़ी देर सोचता है एंड देन सडनली उसका रिप्लाई आता है लॉयन। प्रीस्ट उसकी ये बात सुन के आंसर देता है दैट इफ यू वॉन्ट टू बिकम लॉयन देन वाई यू आर एक्सपेक्टिंग टू बी शोन मर्सी लाइक वुल्फ, वो भी लेम। दैट मीन्स एक लंगड़े वुल्फ की तरह अगर तुम पे कोई मर्सी दिखाए और तुम्हें अपना जूठन खाने को दे तो क्या वो तुम्हें स्वीकार होगा? ये बात सुनकर रघु सोच में पड़ गया और बोला नहीं। तो जब प्रीस ने पूछा कि जब तुम लाइफ में लायन बनना चाहते हो तो उसकी तरह हार्ड वर्किंग क्यों नहीं बनना चाहते? अगर तुम्हें लाइफ में कुछ अचीव करना है तो लायन की तरह हार्ड वर्किंग बनो। अगर तुम लायन, जैसा कि हमें पता है फ्रेंड्स, जंगल का राजा होता है, तो अगर आपके अंदर राजा बनने की कैपेसिटी है तो आप उसको निखारिए हार्ड वर्क के रास्ते पे चल के। लक साथ देता है नहीं देता है वो अलग बात है, वो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी किसी की भी किस्मत इतनी बुरी है कि अगर वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करता है तो उसका लक कोई ऐसा फैक्टर हो जो हमें सक्सेस पाने से रोक सके। सो फ्रेंड, उस प्रीस्ट के थ्रू रघु को ये बात तो समझ में आ जाती है कि ही शुड बिकम हार्ड वर्किंग इन लाइफ। सो फ्रेंड्स, इस जो स्टोरी के थ्रू मेरा आपको समझाने का मतलब यही था कि हमें हमेशा लाइफ में हार्ड वर्किंग बनना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड कर्म योगी इन हिंदी। फ्रेंड्स, वैसे भी हिंदू वेद पुराणों में ऐसा लिखा है कि स्टूडेंट की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट हार्ड वर्क करता है अपनी स्टूडेंट लाइफ में तो उसे आगे जाके फ्यूचर में किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और उसे सक्सेस मिल जाती है। सो अब फ्रेंड्स, डिसाइड आपको करना है वेदर यू वुड लाइक टू बी अ लायन, दैट मीन्स अ किंग, और यू वुड लाइक टू बी अ वुल्फ, दैट मीन्स आई थिंक वी कैन से अ बेगर और समथिंग एल्स। सो फ्रेंड्स, आज आपको इस स्टोरी के थ्रू ये पता चल ही गया होगा कि आपको लक पर डिपेंड करना चाहिए या फिर हार्डवर्क पे। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर द वीडियो। प्लीज़, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आई थिंक सबके दिमाग में होता है। मुझे ये स्टोरी मेरे एक टीचर ने बताई थी, तो स्पेशल थैंक्स टू माई टीचर। एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो, एंड थैंक यू।